नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। करीम लाला के ऊपर संजय रावत ने एक बयान क्या दिया, राजनीतिक भूचाल आ गया। वो इसलिए क्योंकि संजय रावत ने कहा कि इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने के लिए मुंबई आया करती थी, लेकिन ये देखिए कांग्रेस पार्टी की चतुराई या शातिर दिमाग, इन लोगों ने मीडिया के जरिए वो तस्वीरें निकालना शुरू कर दी कि जिसमें करीम लाला बाला साहब ठाकरे के साथ एक प्रोग्राम में साथ में नजर आ रहे हैं, और ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये देखिए ये बदला, ये अलायंस में है, लेकिन किस तरह की घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल देश के सामने है। लेकिन कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये करीम लाला है कौन, तो आज मैंने सोचा कि करीम लाला के बारे में आपको बताया जाए। करीम लाला को मुंबई का पहला डॉन कहा जाता है। कहते हैं कि जिस वक्त दाऊद इब्राहिम पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त करीम लाला मुंबई पर राज करता था। कि उनका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। अफगानिस्तान में 1911 में वो पैदा हुए थे। वो पश्तून समुदाय से बिलोंग करते थे और 21 साल में वो अफगानिस्तान छोड़ के पेशावर के जरिए पाकिस्तान होते हुए वो मुंबई आ पहुंचा। शुरुआत में उसने क्या किया, तो शुरुआत में उसने एक किराए का मकान लिया और वहीं पे वो घर के अंदर ही जुए का अड्डा चलाने लगा। अब जुआरी आते थे जाते थे तो उनको पैसे भी उधार देना शुरू कर दिया इसने, और धीरे धीरे इसने अपना नाम शेर खान से बदलकर करीम लाला हो गया, क्योंकि वो सबको उधार दिया करता था। लोग उसे शेर खान या करीम लाला या सिर्फ लाला के नाम से जानते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद जब ये पैसे कमाने लग गया ये जुए के धंधे से, तो उसने शराब की का कारोबार उसने शुरू किया और शराब का अड्डा उसने खोला। उसके बाद मुंबई के डॉकयार्ड में उसने तस्करी का काम, स्मगलिंग का काम एक एक स्टेप से आगे बढ़ता चला गया। जुए से उसने शुरू की, फिर वो शराब का कारोबार में आया, फिर वो तस्करी करने लग गया। उसके काले कारनामों के बारे में पुलिस भी जानती थी, लेकिन कहते हैं कि करीम लाला की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो पुलिस से बहुत जल्दी ही दोस्ती कर लिया करता था, और इसी तरह धीरे धीरे करीम लाला का काला कारोबार वो पूरी तरह से फैल गया। करीम लाला जुए शराब के अड्डे से वो तस्करी और उसके बाद हफ्ता वसूली में वो जुट गया, और उसने वहाँ मुंबई में एक गैंग बना ली जिसका नाम था पठान गैंग, और ये गैंग धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और उसके बाद ये क्या करने लग गया, तो ये लड़ाई दंगे और लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते थे उसको सुलझाने में जुट गया, जिससे इसका रसूख जो है वो बढ़ गया। और 50 के दशक में करीम लाला ने सोने और हीरे की तस्करी का काम उसने शुरू कर दिया। अब ये बिग डॉन, बड़ा पैसा वाला काम करना इसने शुरू किया। और उसी दौरान हाजी मस्तान एक दूसरा डॉन भी मुंबई में इमर्ज किया, वो उसका भी काम धाम शुरू हुआ। लेकिन हाजी मस्तान समुद्र के किनारे वो तस्करी का काम करता था। अच्छी बात क्या है कि इन दोनों में कोई भिड़ंत नहीं हुई, उन दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों ने हाथ मिला लिया और करीम लाला और हाजी मस्तान ने मिलकर पूरी मुंबई के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो उस हिसाब से आप देखिए कि किस तरह से डॉन्स के बीच में जो है वो दोस्ती हो गई। तो करीम लाला को मुंबई का पहला डॉन कहा जाता है। उसने दौलत तो खूब कमाई, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि वक्त पड़ने पे वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी क्या करता था। तो उसने अपनी इमेज रॉबिन हुड की बना ली थी और लोग उसको काफ़ी मानते भी थे कि वो वक्त पड़ने पे लोगों की मदद किया करता था, और इस तरीके से उसकी एक साख बन गई थी मुंबई के अंदर में। तो पॉलिटिशियंस, पुलिस, सारे अधिकारियों से उसकी अच्छी पकड़ थी, अच्छा उससे रिश्ते उसने बना लिए थे। तो धीरे धीरे वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन ही नहीं था, बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति हो गया था कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके पास चले जाएं। एक बड़ी मशहूर कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि करीम लाला का एक बार दाऊद इब्राहिम से झगड़ा हो गया था। नया नया लड़का था दाऊद इब्राहिम उस समय, तो मुंबई की सड़कों पर उसे दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। मुंबई के अपराध जगत में ये वाक्या आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि फिल्म जंजीर में
जो अभिनेता प्राण ने शेर खान वाला किरदार किया था वो करीम लाला से ही उससे इन्फ्लुएंस था। करीम लाला को लोग शेर खान भी कहा करते थे। और जो उस फिल्म में प्राण ने जो ड्रेस वगैरह जो अपना उसका जो पूरा गेटअप था वो करीम लाला की तरह रखी गई है। तो जिस ये तस्वीर देखिए, ये प्राण साहब की तस्वीर है उस फिल्म की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से अपना वो उनका आउटलुक हुआ करता था। तो करीम लाला सफ़ेद पठानी सूट पहना करते थे, करीम लाला सफ़ेद पठानी सूट पहनता था और ये हट्टा कट्ठा 7 फीट अफगानिस्तान का था, तो वो बहुत और उसकी आवाज़ भी बहुत भारी थी। तो जब भी वो लोगों से बातचीत करता था लोग डर जाया करते थे। और बाद में उसने अपने साथ एक छड़ी भी उसने रखनी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि मुंबई में करीम लाला का आतंक इतना था कि किसी जमीन या बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए उसे वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके गुर्गे उस जगह जाकर के सिर्फ उसकी छड़ी रख देते थे, बस वो जगह करीम लाला की हो जाया करती थी। और ये सिर्फ खौफ ही नहीं था, वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस, अधिकारी, पुलिस वाले, ये सब करीम लाला के, उसको कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि उनके पे रोल पे थे। चुनाव में ये पैसा दिया करता था पुलिस वाले को, क्योंकि वो गलत काम किया करता था तो सारे पुलिस वाले के पास वो पैसे भी पहुँचाया करता था। और इसलिए वो वहाँ पर मुंबई में अपना पूरा राज वो चला रहा था। और बहुत मशहूर है एक चीज़ कि करीम लाला के घर जब ईद के मौके पे जो जश्न होता था उसमें पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और फिल्म स्टार्स आया करते हैं। और फिल्म स्टार्स से करीम लाला की बहुत अच्छी पहचान होती थी, और हो भी क्यों नहीं, बहुत सारे फिल्म जो है वो उसमें वो लगाया करता था। एक बहुत फेमस घटना है कि फिल्म अभिनेत्री हेलन के कोई करीबी ने उससे पैसे लेकर के वो भाग गए, और पैसा जो लेकर के वो भाग गया वो परेशान हो गई। तो हेलन चली गई सीधे दिलीप कुमार साहब के पास कि भाई आप कुछ बताइए। तो दिलीप कुमार करीम लाला के पास जाते हैं हेलन को लेकर के और बताते हैं कि ऐसी घटना हो गई है। तो करीम लाला तो ठहरे डॉन, तो उन्होंने उससे उस आदमी को पकड़वाया और पैसे वैसे वापस करवाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन वो मतलब 50s से लेके 80s तक किस तरीके से पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, ऑफिशियल्स, इन सब के साथ इनकी पूरी तरह से पैठ थी। और ये आप कह सकते हैं कि ये दो तरफा रिलेशन था, कि चूंकि ये गलत काम करता था और बाकायदा बाकी लोगों को वो पैसे देकर के वो खुश रखा करता था, तो इसीलिए ये एक अलग तरह का माहौल था जो अभी नहीं है। लेकिन 80 के दशक में मुंबई में दाऊद इब्राहिम का नाम उभरा, उसके पहले गैंगस्टर्स के बीच तालमेल से काम चल रहा था, लेकिन दाऊद के आने के बाद वहाँ गैंग वॉर की शुरुआत हो गई। करीम लाला के गैंग ने 1981 में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी थी, और इसके बाद से मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर शुरू हो गया। दाऊद का गैंग, करीम लाला का पठान गैंग एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए, एक दूसरे को मारने लग गए। और 1986 में दाऊद के गैंग ने करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या कर दी, और धीरे धीरे करीम लाला की गैंग वो कमज़ोर होती चली गई। दाऊद के गैंग ने मुंबई पे अपना कब्जा कर लिया, करीम लाला धीरे धीरे वो शांत पर गया, और 90 साल की उम्र में 2002 में करीम लाला की मौत हो गई। अब समझना क्या है इसमें कि ये जो अभी जो हाल है, जो दाऊद इब्राहिम के आने के बाद जो स्थिति बदली और जो करीम लाला के समय जो स्थितियां थी मुंबई की, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। हाजी मस्तान और करीम लाला के बीच गैंग वॉर्स नहीं हुआ करते थे, और कोई सड़क पे, हालांकि वो इल्लीगल काम किया करता था, तस्करी किया करता था, लेकिन वो उस तरह का उत्पात नहीं मचाया करता था। और लोगों को, जैसा मैंने कहा कि उसने पूरी इमेज ही अपनी रॉबिनहुड की बनाई हुई थी, जिसकी वजह से जनता के बीच एक सिंपैथी वो क्रिएट करने में सफल रहा था। इस वजह से पॉलिटिशियंस भी उसके नज़दीक जाते थे, फिल्म स्टार्स भी नज़दीक जाते थे, और ये बाकायदा उनको
खुश भी रखा करता था, पुलिस वालों को, ऑफिसल्स को, मंत्रियों को इलेक्शंस में पैसे दिया करता था कि ताकि वो दो तरफा रिश्ता इन दोनों का वो चलता रहे। लेकिन दाऊद के आने के बाद ये गैंग वॉर में बदल गया, क्योंकि दाऊद को इस बात का ये था कि उसको मुंबई का बादशाह बनना है, और इसलिए गैंग वॉर शुरू हुआ और अंडरवर्ल्ड का एक दूसरा चेहरा पनपने लगा, वो दिखने लगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क तब आया जब मुंबई धमाके हुए थे, शायद 1993 में, और इस धमाके के बाद जब ये नाम आया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की वजह से धमाके हुए हैं, तब अंडरवर्ल्ड का पूरा चाल चरित्र और चेहरा बदल गया। और अभी तक इसलिए अब अंडरवर्ल्ड के लोगों से लोग डिस्टेंस बनाने लग गए, और ये एक आप कह सकते हैं कि वो एक कि जिसका भी कभी कोई वीडियो, जैसे गोविंदा का एक वीडियो आ गया था, कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस की तस्वीरें आ गई थी कि वो, क्योंकि वो धमाके के बाद दाऊद इब्राहिम को भागना पड़ा इंडिया छोड़ के, तो दुबई में सेटल हो गया। कल खबर आई कि वो उसके किसी गैंग मेंबर ने ये बताया कि वो कराची में रहता है, तो वो सारे लोग दाऊद के दरबार में लोग जाते थे, वहाँ डांस करते थे, मिमिक्री किया करते थे, तो उस तरह की भी तस्वीरें आई हैं। लेकिन आज जो मामला शुरू हुआ है कि जो बात संजय राउत ने कही उसमें सच्चाई है, सच्चाई इसलिए है कि जो भी मुंबई जाता था तो वहाँ जाकर के वो मिला करता था। इंदिरा गांधी की तस्वीरें हैं, तस्वीरें फेक नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि जो संजय राउत ने कहा वो इसलिए वो ये बात वो कह गए संजय राउत, क्योंकि वो मुंबई में लोग इस चीज़ को बड़े आम एक हैपनिंग के तरह लोग देखा करते थे। किस वक्त? करीम लाला और हाजी मस्तान के समय, क्योंकि अभी बिल्कुल अनटचेबल हो गया ये अंडरवर्ल्ड, तो इसलिए अभी जो रिएक्शन है लोगों का वो बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन उस दौरान इंदिरा गांधी के वक्त, जैसा कि मैंने बताया कि 80s तक वहाँ पे एक स्टेटस सिंबल माना जाता था कि आपके रिश्ते करीम लाला के साथ हैं। इवन मुंबई बम धमाके से पहले तक भी लोग ये कहते थे कि भाई दाऊद इब्राहिम से उनकी जान पहचान है। तो ये बदलाव जो आया है, और इसने इसका रिएक्शन ये इसलिए जो संजय राउत ने बयान दिया वो नहीं समझ सके कि इसका रेमिफिकेशन क्या होगा। उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि पहले ऐसा हुआ करता था, अब चूंकि इंदिरा गांधी का फोटो सामने आ गया तो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल कि अच्छा शिवसेना ने हमारे नेता के बारे में ऐसा कह दिया, तो अब देखिए तस्वीर आ गई कि बाला साहब ठाकरे और करीम लाला एक पब्लिक फंक्शन में अगल बगल बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयास किया जा रहा है बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए या ये दिखाने के लिए वह अंडरवर्ल्ड के साथ थे, वो हकीकत से काफ़ी दूर है। वो दूर इसलिए भी है कि बाला साहब ठाकरे एक अलग किस्म का आंदोलन वहाँ चला रहे थे। आप बहुत कम लोगों को मालूम हो कि बाला साहब ठाकरे बेसिकली जो मुंबई में जो वर्कर एसोसिएशन है, जो मजदूर थे, उसकी आवाज़ बनकर के वो उभरे थे और उनको वहाँ पे उन्होंने संगठित किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि 80 के पहले की जो का जो स्थिति था वो बिल्कुल अलग था। मुंबई में रहने वाले लोग और जिस तरीके से वो उसका करीम लाला का बिहेवियर हुआ करता था और जिस तरह का उसने रसूख पैदा किया था, तो ये कोई इस तरीके से उस ध्येय के नज़र से नहीं देखा करता था कि हीन भावना के हिसाब से वो नहीं देखा जाता था कि ये बहुत गलत व्यक्ति से मिलने जा रहा है या बहुत गलत आदमी से मिलने जा रहा है। उस समय उसे लोग समझते थे कि ये बिजनेसमैन है, हालांकि लोगों को हकीकत का पता होता था, लेकिन वो इस तरह का नहीं था कि जैसे अभी कोई दाऊद इब्राहिम के साथ कोई रिश्ता हो जाए तो उसको NIA वाले पकड़ के लेके चले जाएंगे, क्योंकि आतंकवादी के साथ आपका रिश्ता क्या है। तो ये एक फर्क था। खैर, बहुत सारे लोगों को करीम लाला के सच हकीकत के बारे में पता नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि करीम लाला के बारे में जो कुछ हमारे पास जानकारी है वो आपके साथ शेयर करें। आप देखते रहिए कैपिटल TV, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।